श्री अमरनाथ जी की यात्रा की प्रथम पूजा में शामिल हुए एलजी, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कोई कसर न छोड़ने का ऐलान। 1 जुलाई को शुरू होने जा रही है 62 दिनों की अमरनाथ यात्रा। के नवनियुक्त एसएसपी ने इरादे किए जाहिर, ड्रग्स और खनन माफिया की उल्टी गिनती शुरू। पुलिस चीफ ने संपत्तियां जब्त करने का किया ऐलान। और डोक वंजीरा ने महिला सशक्तिकरण की पेश की मिसाल, पंचायत में महिलाओं को उपलब्ध किए रोजगार के अवसर, विकास कार्यों के बल पर बनी प्रदेश की नंबर 1 पंचायत। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़े खबरों। सबसे पहले आपको अमरनाथ यात्रा की अपडेट बता देते हैं। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्षिक श्री अमरनाथ जी की यात्रा की औपचारिक शुरुआत के अवसर पर प्रथम पूजा में भाग लिया। उपराज्यपाल ने यहाँ बाबा बर्फानी के ही आशीर्वाद, आप देखिए किस तरह से करने की बात कही, आशीर्वाद भी यहाँ पर मांगा और सभी के अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए प्रार्थना की। उपराज्यपाल ने कहा कि दुनिया भर में लाखों भक्तों के लिए बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा की तीर्थ यात्रा जीवन भर का सपना है और जम्मू कश्मीर सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और तीर्थ यात्रियों को यात्रा के दौरान कोई परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से काम कर रहा है। यात्रा के बुनियादी ढांचे और अन्य सुविधाओं में प्रत्यक्ष सुधार लाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में समर्पित प्रयास किए गए हैं जिनका नतीजा सबके सामने है। तो यात्रा से यकीनन स्थानीय लोगों को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। आपको यह भी बताते चलें कि 62 दिवसीय श्री अमरनाथ जी की यात्रा इस वर्ष 1 जुलाई को शुरू होगी और इसका समापन 31 अगस्त 2023 को होगा। देवा भद्राम पसिए बाचा वृद्धायतराहा सिरै रंगे सुष्टो चढ़ा दें, पुनः पुष्प भगवान कुबेर जी का ध्यान करें। आज पवित्र ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन बाबा बर्फानी बाबा अमरनाथ जी की प्रथम पूजा प्रारंभ हुई। 1 जुलाई से देश भर के श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा के लिए आएंगे। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड यात्रा को सुगम बनाने के लिए हर कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर प्रशासन भी उस व्यवस्था को समुचित ढंग से चलाया जा सके इसकी पूरी तैयारी में है और यात्रा 31 अगस्त रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। मैं जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, जिस तरह से यहाँ के स्थानीय निवासी हर वर्ष इस यात्रा में अपना पूरा सहयोग देते हैं, इस साल भी पूरा सहयोग देंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि देश भर के जो श्रद्धालु आएंगे वो एक अच्छा अनुभव लेकर के जाएंगे। स्वाभाविक रूप से जब यात्री आते हैं तो स्थानीय लोगों को भी रोजगार के बहुत सारे अवसर उपलब्ध होते हैं। मैं समझता हूँ कि यात्रा में जितने ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु आएंगे यहाँ के लोगों की इकॉनमी और बढ़ेगी। ये सच है कि इस साल बर्फबारी बहुत हुई है लेकिन BRO ने काफ़ी अच्छे ढंग से काम किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में रोड पूरी तरह से ठीक हो जाए। तो पुंछ के नवनियुक्त SSP विनय शर्मा ने पदभार संभालते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। पुंछ जिले में यहां पनप रहे ड्रग माफिया और खनन माफिया की अब खैर नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पुंछ में ड्रग और खनन माफिया की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। SSP ने ऐलान कर दिया है कि ऐसे लोगों की संपत्ति जब्त करने की कार्यवाही अब अमल में लाई जाएगी और जल्द ही ये आप देखेंगे कि इसकी किस तरह से शुरुआत हो जाएगी और ये लोग अगर ना सुधरे तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिला पुलिस प्रमुख आज पहली बार सुरनकोट के दौरे पर पहुंचे और वहां पुलिस अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों व गणमान्य नागरिकों के साथ बैठक की गई। इस बैठक में उन्होंने ये ऐलान करते हुए लोगों को भरोसा दिलाया है कि कानून व्यवस्था से कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा और इसके लिए पुलिस को आम जनता के सहयोग की बहुत जरूरत रहेगी। जहाँ तक टारगेट्स की बात है, जो मुझे समझ आता है मेरे टारगेट्स क्या होने चाहिए, किन टारगेट्स
को जहन में रख के मुझे यहाँ भेजा गया। नंबर वन अमन, नंबर टू ड्रग्स, नंबर थ्री यहाँ का सैंड माफिया, बोवाइन स्मगलिंग और करप्शन। इन चीज़ों पे मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ कि मैं बहुत रथलेस होऊंगा, जिसको कहते हैं बहुत जिसको सख्त रवैया कह लें आप, जैसा भी कहें, रथलेस मर्सीलेस, तो मैं बड़ा सख्त इन पे अपना रुख इख्तियार करने वाला हूँ। जो ड्रग डीलर्स हैं उनकी प्रॉपर्टी जब्त होने वाली है, बहुत आप सामने सामने देखेंगे, आपके सामने सामने उनकी प्रॉपर्टीज सरकारी कब्जे में आने वाली हैं। अगर अभी भी वो लोग नहीं सुधरे तो बड़ी सख्ती उनको पेश की नजर आने वाली है। एसएसपी का किस तरह से यहाँ पर बयान देखने को मिला है, वो साफ तौर पर चेतावनी देते नजर आए हैं कि ड्रग्स के खिलाफ यहाँ पर वो कार्रवाई करेंगे, खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई होगी और साथ ही साथ रियासत के अंदर यहाँ अमन और शांति को लेकर जिस तरह से बात हो रही है, जिला पुंछ में भी उसे कायम करने की कोशिश होगी। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए आकाश मलिक ने हमारे साथ ज्वाइन किया। आकाश, पदभार संभालने के बाद एसएसपी की तरफ से काफी बड़े ऐलान वहां पर किए गए हैं। जी आशा, मैं आपको बताता चलूं, पुंछ एसएसपी पुंछ को ज्वाइन करते हुए 3 दिन और आज उन्हें सुरन कोर्ट में जो है सिविल सोसाइटी के मेंबरों के साथ और तमाम जो सरपंच और बीडीसी डीडीसी और तमाम लोगों के साथ एक मीटिंग की और उस मीटिंग में उन्होंने कहा है कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है अमन और शांति और दूसरा उन्होंने जो बड़ा बयान दिया है उसमें कहा है कि जो ड्रग्स माफिया के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले वक्त में जितने भी जो ड्रग्स माफिया उनकी जो है जमीन जो है जायदाद वो भी जो है रिकवर वो सीज की जाएगी और उसके साथ साथ उन्होंने बॉइंग स्मगलिंग को बात करी और उसके साथ साथ सैंड माफिया जो जो है बॉइंग स्मगलिंग के साथ साथ जो है जो ये इलीगल माइनिंग करते हैं उस पर भी उन्होंने कहा है कि इस पर भी जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी आशा, क्या लगता है आकाश की जिस तरह से नाको टेररिज्म की लगातार खबरें जो है वो जिला पुंछ से भी सामने आ रही थी और राजौरी से भी, उसी को मद्देनजर रखते हुए पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है? जी हाँ, उस हवाले से बात करें जिससे पहले मैंने बताया एसएसपी पुंछ ने आते ही जब कहा था कि सबसे पहले मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है अमन और उसके बाद जो ड्रग्स के लिए बात करें और पिछले हाल ही में जो ही उन्होंने ज्वाइन किया था उनके ज्वाइन करते ही जो है पुंछ पे जो है एक बड़े पैमाने पे जो है ड्रग्स भी उन्होंने पकड़ी थी और आज जो उन्होंने कहा है कि जितने भी ड्रग्स माफिया है वो जो है खुद ही बाज आ जाए नहीं तो जो है उनकी जो है ड्रग्स जो उनकी जमीन और जायदाद है उनको भी सीज किया जाएगा। चलिए आकाश, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि नार्को टेररिज्म के खिलाफ किस तरह से शिकंजा आने वाले समय में यहाँ पर कसा जाएगा, इसको लेकर मंथन अब शुरू हो चुका है। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको बता देते हैं कि पंचायतों के चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर की कई पंचायतें ऐसी रही जिन्होंने अपना प्रदर्शन बखूबी दिखाया है और विकास का एक नया दौर शुरू हो गया है। इन पंचायतों को मद्देनजर रखते हुए इन पंचायतों में जहां कई विकास कार्य हुए हैं वहीं पंचायत के सदस्यों के प्रयासों से लोगों को भी रोजगार मिल रहा है और इनमें से एक पंचायत है जम्मू के ब्लॉक नगरोटा की पंचायत ढोक वजीरा और पंचायत में किस तरह से लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं इस पर आपको एक रिपोर्ट देखते हैं और दिखा देते हैं कि किस तरह से यहां पर पूरा इस पंचायत की तरफ से काम किया गया, महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या कुछ काम चला, देखिए। ये तस्वीरें किसी औद्योगिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाई की नहीं है बल्कि ये तस्वीरें जम्मू के नगरोटा ब्लॉक की पंचायत ढोक वजीरा में स्थित अगरबत्ती इकाई की हैं। इस यूनिट में पंचायत की महिलाएं अगरबत्तियां बनाकर अपना रोजगार कमा रही हैं। रोजगार कमाने का ये अवसर इन महिलाओं को स्थानीय सरपंच रमन वजीर के प्रयासों से उपलब्ध हुआ है। सर, मैं यही कहना चाहूँगी कि काम बहुत अच्छा है और इससे बेनिफिट भी है हमें, हमें सर सिर्फ मटेरियल बनाना है और जो भी इसका सामान वगैरह लगता है वो हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है और सर थैंक यू, मैं सर का भी कहना चाहूँगी, हमें मैसेज स्पेशली मैसेज भेजा कि आओ यहाँ पे काम करो, अच्छा है सर, हमने किया, हमें बेनिफिट भी लगा। अच्छा काम है, ठीक है, अस ये सारा बिजनेस चलना चाहिए, रोजगार ये जड़ा चलना चाहिए। सीखा पहले हाँ जी बेनिफिट लगता है सर, हमें एक अगरबत्ती का 1 रुपया मिलता है। कितनी बनाते हो, मतलब महीने कितनी अगरबत्ती बनती है, डेली कितनी बनाते हो? डेली च कोई 3-4 हज़ार बना लेने हैं। कमाई करते हैं, अच्छा लगता है, पैसे भी मिलते हैं तो ठीक लगता है। इस यूनिट की बुनियाद स्थानीय सरपंच ने उस समय रखी जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी के कारण भारी आर्थिक संकट से
जूझ रही थी। इस नाजुक दौर में स्थानीय सरपंच ने अपनी पंचायत के लोगों को आर्थिक संकट से उभारने के लिए इस यूनिट की बुनियाद रखी। हमारी पंचायत में लेडी सेंट्रिक काफी काम हमने जो है वो लिए हैं, और आज भी जैसे आप कवर करने के लिए आए हुए हैं, अभी आपने देखा लेडीज का एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग में है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेंडेमिक से परेशान होकर जब हमने ये देखा कि हर तरफ मायूसी है, तो हमने लेडीज़ को एक मातृशक्ति को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए और उनका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए बहुत से काम यहाँ पे जो थे वो शुरू किए। कोरोना के टाइम में लोग काफ़ी डिप्रेस थे, सोर्स ऑफ इनकम नहीं थे, तो हमने उस टाइम एक्सप्लोर किया कि लेडीज़ को अगर हम एंगेज करें काम चलाने के लिए तो एक बड़ा अच्छा सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बन सकता है। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमने लेडीज को एंगेज किया। इस पंचायत में ना केवल अगरबत्ती का बल्कि यहाँ पर अगरबत्ती के अलावा पापड़ आचार का उत्पादन भी हो रहा है। इसके साथ जल्द इस पंचायत में मसाले का भी यूनिट लगने वाला है जो भाई ये अगरबत्ती बनाने वाला है। इसके अलावा हम पापड़ बना रहे हैं, पिकल बना रहे हैं, और बहुत जल्दी मैं आपको बताऊं कि आप दोबारा हमारे पास आएंगे, आप हम एक मसाले का यूनिट जो है वो जल्दी यहाँ पे लगाने वाले हैं। स्थानीय सरपंच रमन वजीर के प्रयासों ने पंचायत ढोक वजीरा को प्रदेश की पहली पंचायत बना दिया है जिसमें महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए नए अवसर प्रदान किए गए हैं। मुझे ये बताते हुए आपको खुशी होती है कि हमारी पंचायत स्टेट में अव्वल पंचायत है जहाँ पे लेडीज के लिए, लेडीज वेलफेयर के लिए, लेडीज इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए और लेडीज को इतने कामों में शामिल करने के लिए हमारी पंचायत का बहुत योगदान रहा है। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज की तरफ से भी हमें वक्तन ब वक्तन काफ़ी मदद मिलती रही है, और हमें इसकी खुशी है कि हम लोगों की जो है मदद कर सकते हैं। महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के साथ साथ रमन वजीर ने पंचायत की महिलाओं के स्वास्थ्य और उनके फिटनेस का भी पूरा पूरा ध्यान रखा हुआ है, और पंचायत में महिलाओं के लिए जिम भी खोला हुआ है। बताऊं कि इनकी फिटनेस का भी और मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखते हुए हमने यहाँ पे एक ऑल एक्सक्लूसिव लेडीज जिम जो है वो खोला हुआ है, और तमाम लेडीज वेलफेयर की स्कीम जो है हम अपनी पंचायत में चला रहे हैं। ढोक वजीरा पंचायत की तरह देश प्रदेश की पंचायतें भी काम करें तो जहां गरीबी स्तर के नीचे जिंदगी गुजारने वाले परिवारों की कायाकल्प हो जाएगी, वहीं देश की तस्वीर भी बदल जाएगी और देश विकास के नए शिखर पार करेगा। निगरोटा से वीडियो जर्नलिस्ट अनु के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। तो कठुआ शहर में ही शुक्रवार को जमींदोज किए गए शॉपिंग मॉल को सरासर गैर कानूनी यह कार्रवाई करार दे रहे शहरवासियों का गुस्सा थमने का नाम नहीं लिया जा रहा है, और आपको ये बताते चले कि शहरवासी लगातार इसके विरोध में आ गए हैं और इसे गैर कानूनी करार दे रहे हैं। लोगों ने शुक्रवार को जहां पठानकोट जम्मू हाईवे जाम कर प्रदर्शन के खिलाफ, यहां आप देखिए किस तरह से मोर्चा खोल दिया है, प्रशासन के खिलाफ ये मोर्चा खोल दिया गया, और आज भी उन्होंने मुखर्जी चौक पर धरना देकर अपने गुस्से का इजहार कर दिया। इस धरने में भाजपा सहित अन्य सियासी दलों के नेता भी शामिल हुए और शॉपिंग मॉल को तोड़ने के आदेश जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर दी। डोगरा स्वाभिमान संगठन के अध्यक्ष चौधरी लाल सिंह ने इस पूरे मामले को मैच फिक्सिंग करार देते हुए इसकी जांच करवाने की मांग कर दी है। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਨੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਧੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਯੂਨੋ ਬੈਟਰ ਵਧੇ ਸਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਵਧੇ ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਰੋਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੁਨਾਈਟ ਹੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਪੈਸੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਕੋਲ 1.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਰੁਪਇਆ, ਜਦੋਂ 2-4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਦੀ। तो जम्मू में जल्द ही यहाँ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है जिसका आयोजन यूनिवर्सल फिल्म मेकर्स काउंसिल एंड नवा कर्नाटका फिल्म अकेडमी की तरफ से किया जा रहा है। काउंसिल के प्रधान डॉक्टर एम ए
मोमी गट्टी ने ही यहाँ जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी घोषणा कर दी और बताया कि जम्मू कश्मीर में पहली बार होने जा रहे ऐसे फिल्म फेस्टिवल में दुनिया भर की कई फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी और अवार्ड भी दिए जाएंगे। हमारा जम्मू के अंदर यहाँ पे हम लोग टू डेज का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ जम्मू कश्मीर करने जा रहे हैं, तो इसमें हम लोग टू डेज के प्रोग्राम के अंदर हम फिल्म स्क्रीनिंग होंगे और अवार्ड सेरेमनी होगा। तो ये यहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड के मूवीज सबमिशन होंगे, जिससे हम यहाँ पे सिलेक्टेड मूवीज को फिल्म स्क्रीनिंग कराएंगे और यहाँ पे जो सिलेक्टेड मूवीज को अवार्ड भी दिया जाएगा। तो सांबा के डीसी के दिशा निर्देश पर विजयपुर में आज मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आयोजित इस कैंप में चालकों और सहचालकों की आंखों की जांच के साथ साथ उन्हें यातायात नियमों का पाठ भी पढ़ाया गया। सांबा के यहां एआरटीओ शमी कुमार ने इन लोगों को यातायात के नियमों की जानकारी देते हुए उनसे हर हाल में इसका पालन करने का भी आह्वान किया। डीसी साहब की डायरेक्शन पे हेल्थ डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन के साथ यहाँ पे मिनी बस स्टैंड बीजेपुर में आज का ये कैंप हमने लगाया है। इसका जो मेन मकसद हमारा यही है कि जितने भी ड्राइवर गाड़ियाँ चलाते हैं, चाहे वो बस का ड्राइवर है, चाहे वो मेटाडोर का है, चाहे वो ऑटो का है, उनको यहाँ ये फैसिलिटी हेल्थ डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करने के बाद मिली है। यहाँ आप देख रहे हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट से एक टीम आई है जिसमें डॉक्टर साहबान हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, जहाँ आई टेस्ट हो रहे हैं, बाकी टेस्ट हो रहे हैं, जनरल चेकअप हो रहा है। तो यहाँ जो फैसिलिटी इसलिए प्रोवाइड की गई क्योंकि आप जानते हैं कि ड्राइवर लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो कहीं दूर हॉस्पिटल में जाकर रूटीन चेकअप के लिए जाएं। तो आज ये फैसिलिटी हमने इधर इसलिए रखी है ताकि ड्राइवर अपनी जो गाड़ियाँ हैं वो भी साथ में चलती रहें और बारी बारी वो आके अपना जो चेकअप करवाएं। अभी तक 40 से ज़्यादा लोगों का जो हेल्थ चेकअप हो गया और ये हेल्थ चेकअप जो है 2 बजे तक कम से कम चलेगा और साथ ही साथ हमने ड्राइवरों को जहाँ अवेयर भी किया है। डिग्री कॉलेज के इमारत के निर्माण को लेकर जिला सांबा के ही रामगढ़ ब्लॉक की पंचायत राड़ा में लोगों ने प्रदर्शन किया और लॉ कॉलेज का ही यहां निर्माण राड़ा में ही करने की मांग कर दी। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि 2 मार्च 2019 को डिग्री कॉलेज के इन इमारत का यहां निर्माण करने की बात कही गई थी। इमारत का नींव पत्थर राड़ा में रखा गया था लेकिन अब इस कॉलेज का निर्माण किसी दूसरी जगह पर करने की खबरें सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि राड़ा सहित अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग यहाँ पर कॉलेज के निर्माण के पक्ष में हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि इस कॉलेज का निर्माण अगर इस जगह की बजाय दूसरी जगह पर किया गया तो इसके बाद ये लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे। जो डिग्री कॉलेज का नींव पत्थर 2 मार्च 2019 को राड़ा गांव में रखा गया था, माननीय डिप्टी कमिश्नर और हमारी जो कमिश्नर सेक्रेटरी सरिता चौहान, अगर हमारा ये कॉलेज यहाँ से शिफ्ट हुआ और यहाँ पे नहीं बढ़ा तो हम लोग जो है सारे सरपंच पंच सारे यहाँ के लोग जो है इसके लिए विरोध प्रदर्शन करेंगे और हम लोग जो है हमें अगर इसके लिए जहाँ तक चलना पड़े वहाँ तक जाएंगे और अपना अपने हक की लड़ाई हम जो है वो लड़ेंगे। ये आपके माध्यम से कहना चाहते हैं और साथ ही ये कहना चाहते हैं कि जो BDC जो DDC हमने भी उनको वोट दिए हुए हैं, अगर वो न्याय नहीं करेंगे हमारे साथ तो अगली इलेक्शन में हमारे लोग उन्हें बॉयकॉट करेंगे। और ये नहीं कि हम लोग बॉर्डर वाले भी हमारे भाई हैं, पर इसका कोई एमिकेबली इसका सोल्यूशन होना चाहिए और जो ये नींव पत्थर यहाँ पे रखा गया है वहीं पे कॉलेज जो है वो बनना चाहिए। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ के ही NSS यूनिट की छात्राओं ने आज प्रतिबंधित पॉलीथीन के प्रति लोगों को जागरूक किया। इन छात्राओं ने आज शहर में एक रैली निकालकर प्रतिबंधित पॉलीथीन के दुष्प्रभावों की जानकारी जन जन तक पहुंचाई। इसके अलावा दुकानदारों से भी ऐसे पॉलीथीन का इस्तेमाल न करने का आह्वान किया गया। ऑन बिहाफ ऑफ GDC कठुआ आज हमने एक रैली कंडक्ट की और शॉप पे जाके एक अवेयरनेस प्रोग्राम करवाया जिसमें प्लास्टिक के यूज़ को मिनिमाइज करने की गुजारिश की लोगों के आगे।
एक लोगों के आगे, अब प्लास्टिक को हम कम तो कर नहीं सकते हैं, बट एटलीस्ट हमने उनको इस तक हद तक अवेयर किया कि वो प्लास्टिक के यूज़ को थोड़ा सा कम करें, और एक ऐसा पॉसिबल वे हमने उनको बताया कि आप किस तरह से प्लास्टिक बैग या फिर प्लास्टिक की बॉटल्स के अल्टरनेटिव ले सकते हैं, आप स्टील की बॉटल्स को यूज़ कर सकते हैं, आप जूट बैग्स को यूज़ कर सकते हैं, और प्लास्टिक से बच सकते हैं, एनवायरनमेंट को ग्रीन बनाने में हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू। जिला रियासी के ही अघार जितो में स्थित यहाँ प्रसिद्ध बाबा जितोमल की देवस्थान पर आज 3 दिवसीय मेले का शुभारंभ हुआ है, जिसका उद्घाटन डीसी रियासी बबीला रखवाल ने किया है। डीसी ने बताया कि इस मेले में जहाँ नाटक के माध्यम से बाबा जितोमल की ही यहाँ जीवनी के कुछ अंश दिखाए गए हैं, जीवनी से लोगों को रूबरू करवाया जाएगा, वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से ही लोगों के समक्ष डोगरी लोकगीतों की झलक भी पेश की जाएगी। सारी एक्टिविटीज हमारी रुक गई थी, तो लास्ट ईयर हमने शुरू किया घाट जतों का मेला, 3 दिवसीय मेला जो है, इसमें काफ़ी सारी इवेंट्स जो है जो रुक गई थी, खासकर ये जैसे कल्चरल इवेंट्स होती हैं नहीं कर पाए थे, तो उसको रिवाइव करने की कोशिश की गई है। इस साल हमारी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने इसमें एक पॉजिटिव रोल का प्ले किया, प्रोएक्टिवली वो लाए हैं कुछ यहाँ के लोकल आर्टिस्ट जो है, हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट के कमी नहीं है टैलेंट की, और वो सब आके अपना परफॉर्म बाबा जितो जो है जिसके नाम पर ये मेला है उनके ऊपर, उनकी जो स्टोरी लाइफ हिस्ट्री है, जो उनकी स्टोरी है उसके ऊपर इवेंट करेंगे, और साथ साथ में जो बाकी प्रोग्राम जैसे कोई शोभा यात्रा होती है, दंगल होता है, हमने अपनी रूरल लेडीज़ हैं उनको पाखे, यहाँ की बड़ी मशहूर हैं, होमाग में एक लेडीज़ हैं जो एक ग्रुप जो है जो पाखे गाती हैं, अपने पाखे आदमियों के मुँह से सुना हुआ, यहाँ पर लेडीज़ गाती हैं, बड़ी नॉवल चीज़ मुझे लगी, और उनको भी बुलाया जा रहा है, और ताकि लोगों को इस मेले के बारे में और बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें। आप जानते हैं पंजाब से लोग आते हैं यहाँ पर। जम्मू स्थित ऐतिहासिक सुंदर सिंह गुरुद्वारा साहिब में आर्काइव विभाग द्वारा मरम्मत का काम करवाया जा रहा है, और इस काम का पहला चरण लगभग मुकम्मल हो चुका है, जिसका जायजा आज डायरेक्टर आर्काइव प्रदीप कुमार ने लिया है। उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में करवाए जाने वाले कुछ काम उनके नोटिस में लाए गए हैं और उन्हें भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा। गुरुद्वारे में हमने एक राउंड लगाया, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक रिपेयर और रेनोवेशन का एक काम चल रहा था, जिसपे सरकार ने 17,51,000 रुपया जो है वो सर्फ किया है। अभी हमने कमेटी, जो कमेटी की तरफ से या प्रबंधन कमेटी है इनकी, उनकी तरफ से जो इश्यूज रेज किए गए थे, जहाँ जहाँ जिस एरिया में उनको चीज़ें टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे चाहिए थी, तो फेज़ वन में हमने उनको रख के उनको ठीक करने की कोशिश की है, और आज उसी सिलसिले में ये दौरा था, उस काम से ये मुतमईन है। फेज़ टू में भी इन्होंने कुछ अपनी डिमांड्स जो हैं वो प्रोजेक्ट की हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसको फेज़ टू में रखा जाए और उस काम को भी टेकअप किया जाए। ये ऐतिहासिक गुरुद्वारे के साथ साथ जम्मू की जो मिलीजुली संस्कृति है उसको भी दर्शाता है कि यहाँ जो हमारी तहजीब है उसमें किस हिसाब से हमारा इतिहास में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जम्मू के इस खित्ते में किस प्रेम और भाव से रहते थे, वो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से 200-300 मीटर दूरी पे ही आपको एक मस्जिद के भी दर्शन हो जाएंगे और एक ऐतिहासिक मंदिर के भी दर्शन हो जाएंगे। तो देश में बढ़ रही लव जिहाद की घटनाओं के विरोध में यहाँ एकम सनातन भारत दल ने जम्मू में आज प्रदर्शन कर दिया, और प्रदर्शन की अगुवाई कर रही एकम सनातन भारत दल की नेता सुनीता चौधरी ने सरकार से लव जिहाद की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए विशेष कानून बनाने की बात कहती है, और उसके साथ ही इन घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों का समर्थन करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने की बात कहती है। आप देख रहे हैं कि हमारे देश में एक के बाद हमारे देश की मासूम नादान बेटियों को कैसे चंगुल में फंसाया जा रहा है, और फिर बाद में उनका शोषण करके, उनका अत्याचार करके, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, इनका हम जोर विरोध करते हैं और सरकार से अनुरोध करते हैं एक देशव्यापी कानून बनाया जाए कि इस प्रकार की घटनाएं ना हो, और जिन्होंने ये हत्याएं की है उनको कड़ी से कड़ी सजाएं दी जाए और सरेआम दी जाए, जिस प्रकार उन्होंने हत्याएं की है, बोटी बोटी काटी है, उनकी भी बोटी बोटी पूरे समाज के सामने काटी जाए, ताकि दूसरे जो उनका साथ दे रहे हैं, जो वर्ग
समुदाय उनका साथ दे रहे हैं, उनको भी एक सबक मिले। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।